वतनों दूर देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। नजर मार लेने हुण तक दीआं अहम खबरां ते। किसानां दे अंदोलन कारण हाईवे नूं रोकण दे मामले विच वीरवार नूं सुनवाई होई है। किसानां दे अंदोलन दे मद्देनजर किसानां नूं हटाउण दी मंग वाली सुनवाई कल सुप्रीम कोर्ट विच मुलतवी कर दित्ती गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध विच टिप्पणी कीती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानां नूं विरोध करन दा अधिकार है, पर सड़कां नूं अणमिथे समय लई नहीं रोकिया जा सकदा। अदालत ने किसान यूनियनां नूं इस पटीशन का जवाब देने लई कहा है। दस दिए कि इस मामले ते अगली सुनवाई 7 दिसंबर नूं होवेगी। जस्टिस संजय किशन कौल अते जस्टिस MM सुंदरेश दे बेंच अगे सुप्रीम कोर्ट विच सुनवाई हुई। इस दौरान किसानां वल्लों कहा गया कि इस मामले की सुनवाई 2 हफ्तिआं बाद होनी चाहीदी है। अदालत विच सुनवाई दौरान किसानां वल्लों पेश होए वकील दुष्यंत दवे ने कहा, ना तो सड़क जाम की गई है अते ना ही किसानां ने इस नूं बंद किया है। उन्होंने कहा कि किसानों नूं रामलीला मैदान विच जाण तों रोकिया गया, पर भारतीय जनता पार्टी ने उत्थे एक सियासी रैली की। इस दे जज जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा, सड़कां साफ होनी चाहीदियां हन, असी वार वार कानून बनाते नहीं रह सकते, तुहानूं अंदोलन करन दा अधिकार है पर सड़क नूं रोक नहीं सकते। उन्होंने कहा कि हुण कुछ हल लभना पवेगा। उन्होंने यह भी हक है कि जो मामला लंबित होवे तां भी विरोध किया जा सकता है, पर सड़कां नूं रोकिया नहीं जा सकता। लोगों नूं उन्हां सड़कां ते आना जाना पैंदा है। सानू सड़क जाम के मुद्दे नाल समस्या है। दूजे पासे सालिस्टर जनरल तुषार मेहता ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही खेतीबाड़ी कानूनों से रोक लगा दी है। कई बार अंदोलन असल कारण करके नहीं सगों होर कारण करके होंगे ने। इसते एडवोकेट डेव ने पूछा कि खेतीबाड़ी कानून असिधा मुद्दा है। वह किसानों की सिंचाई से सवाल उठा रहे हैं, जिसके लिए मेहता ने कहा इतने सिर्फ 2 किसान संगठन आए हैं। इसते जज जस्टिस कौल ने कहा, असी किसी भी इतने आने मजबूर नहीं कर सकते।